जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस है जैसे स्मार्टफोन, कैमरास, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनके लिए सिर्फ तीन ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से ये बहुत सारे कलर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पिक्चर आप देख रहे हो इसको मैंने तीनों RGB कलर में डिवाइड कर दिया है। यदि इन तीनों RGB कलर को मैं फिर से एड कर देता हूँ तो मुझे पिक्चर में प्रॉपर कलर मिल जाएंगे। इनको हम RGB चैनल के नाम से भी जानते हैं। सिनेमा में जो प्रोजेक्टर हमें देखने को मिलता है वह इन तीनों कलर को मिक्स करने का ही काम करता है। आपको पता होगा एक्चुअल में कोई भी वीडियो एग्जिस्ट नहीं करता है। कैमरे से जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें 30 फ्रेम पर सेकंड या 60 फ्रेम पर सेकंड लिखा रहता है। उसका मतलब यही है कि इस वीडियो के एक सेकंड में 30 या 60 फोटोज को वन बाय वन प्ले किया जा रहा है। और इतनी सारी फोटोज जब हमारी आंखों के सामने से निकलती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई वीडियो चल रहा है। हर फोटो में तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और प्रोजेक्टर इन तीनों कलर्स को एक साथ कंबाइन करके हमें दिखाता है। अब इन RGB कलर्स को प्रोजेक्टर में कंबाइन करने की अलग अलग टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले हम DLP प्रोजेक्टर की बात कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। प्रोजेक्टर के कंपोनेंट्स की वर्किंग इस डिब्बे के अंदर समझने से अच्छा है हम बाहर अच्छे से समझे। यह जो प्रोजेक्टर है यह 90s-80s के टाइम का है, और इसकी बात करना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी प्रॉब्लम के बिना हम आगे के प्रोजेक्टर को समझ नहीं पाएंगे कि वह काम कैसे करते हैं, और आज भी यह टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है। प्रोजेक्टर में पूरा खेल मिरर और लेंस का ही होता है। DLP प्रोजेक्टर में एक अच्छा ब्राइट जलने वाले लैंप को काम में लिया जाता है। पुराने टाइम में इनकंडेसेंट लैंप को काम में लेते थे। लैंप की लाइट को फ्रंट साइड में फोकस करने के लिए कॉनकेव मिरर को काम में लेते हैं। लैंप के सामने लगा रहता है एक लेंस जो इन लाइट रेज को पैरेलली आगे भेजता है। आगे लगा रहता है ट्राई प्रिज्म, इससे लाइट टकराकर पहुंचती है डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस पर। इस डिवाइस को हम आगे DMD से रिप्रेजेंट करेंगे। इस डिवाइस में मिलियंस ऑफ पिक्सल होते हैं। यदि करीब से इसको देखें तो हर पिक्सल की जगह एक मिरर लगा रहता है। तो लैंप से निकली हुई लाइट जब DMD से टकराएगी तो DMD इसको रिफ्लेक्ट कर देगा प्रोजेक्शन लेंस के पास में, और प्रोजेक्शन लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो लैंप से आई हुई लाइट को बड़ा करके पर्दे पर प्रोजेक्ट कर देता है। अब लैंप की लाइट तो दीवार पर पहुंच गई, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि यहां पर कोई कलर नहीं है। तो कलर लाने के लिए इनकंडेसेंट लैंप के आगे एक कलर व्हील लगाया जाता है जिसमें RGB कलर होते हैं। व्हील के पहले कंडेंसिंग लेंस लगाते हैं जो लैंप के लाइट को व्हील पर फोकस करता है, और व्हील के बाद में शेपिंग लेंस लगाते हैं जो इन लाइट रेज को वापस पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देता है। कलर व्हील स्पीड में रोटेट करता है तो लैंप के सामने जो भी कलर आता है वह DMD से टकराता है और हमें पर्दे पर शो करता है कुछ इस तरीके से। अब आप कहोगे कि कलर भी आ गए, लेकिन कलर का क्या करें, वीडियो में तो बहुत कुछ दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं, कलर फिल्टर के लगाते ही जो भी हमें वीडियो में दिखाई देना चाहिए वह दिख जाएगा, क्योंकि जो DMD चिप है वह तीनों कलर लेकर 16 मिलियन से भी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन बना देती है। और जिस तरीके से हम कोई वीडियो या फोटो प्ले कर रहे हैं वह सिग्नल DMD चिप को प्रोजेक्टर के कंप्यूटर से मिलता है, और यह चिप हमें पर्दे पर एक प्रॉपर इमेज बनाकर देती है मिरर्स की हेल्प से। लेकिन फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कलर व्हील तो एक टाइम में एक ही लाइट को पास करता है, तो फिर हमें सभी कलर का कॉम्बिनेशन कैसे दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन है, जब कलर व्हील हाई स्पीड में रोटेट करता है तो हमारी आंखें इन अलग अलग कलर्स को पकड़ नहीं पाती है। हमें ऐसा लगता है जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर एक साथ में मिक्स होकर हमें ओरिजिनल पिक्चर दिखाई देती है। जो DMD चिप है इसमें जो मिरर लगे रहते हैं यह अपनी जगह पर मूव कर सकते हैं। इन मिरर के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी रहती है और हर मिरर को DMD चिप कंट्रोल करती है। अब इसके पीछे रीजन है, कई बार वीडियो में ब्राइटनेस को कम करना रहता है या फिर कहीं वीडियो में कोई ब्लैक जगह आ गई तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और लैंप तो बहुत पावर के साथ में जल रहा है, तो फिर ऐसे केस में मिरर अपने फोकस को साइड में कर देगा, यानी आउट ऑफ फोकस कर देगा, जिस वजह से लाइट आगे पर्दे पर पहुंच ही नहीं पाएगी, जिससे ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर लिया जाता है और वीडियो में कोई ब्लैक जगह है तो वह भी क्लियर दिख जाती है। DMD चिप के पीछे कूलिंग सिस्टम लगा रहता है क्योंकि लैंप की फोकस इस चिप को गर्म करती रहती है, तो इसकी कूलिंग बहुत जरूरी है। अब इस प्रोजेक्टर की एक प्रॉब्लम यह भी है कि जो इनकंडेसेंट लैंप है वह टाइम के साथ में वीक हो जाता है और ब्राइटनेस में प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो हमें क्लियर इमेज दिखाई नहीं देती। दूसरी प्रॉब्लम, यदि वीडियो में कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो हमें अलग अलग कलर भी दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई जिसको बोलते हैं LCD प्रोजेक्टर। यह भी ठीक उसी तरीके से काम करती है। यहाँ पर लैंप के आगे कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो इसको जो लैंप से लाइट मिलती है उसको आगे LCD स्क्रीन पर कन्वर्ज करने
का काम करता है। स्क्रीन के पास में इमेज का डेटा होता है हर पिक्सल का, और यह डेटा स्क्रीन को प्रोजेक्टर के कंप्यूटर सिस्टम से मिलता है कॉन्टिन्यूसली। लेकिन इसके पास में लाइट नहीं होती, और जैसे ही लैंप की लाइट मिलती है तो हमें सामने जो भी इमेज है वह दिखाई दे जाती है बड़े पर्दे पर। इस स्क्रीन में जो कुछ भी प्ले होगा वह उल्टा प्ले होगा, लेकिन दीवार पर हमें सब कुछ सीधा ही दिखाई देता है, जो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। LCD प्रोजेक्टर का एक बेनिफिट है कि तीनों कलर हमें एक ही साथ दिखाई देते हैं। स्क्रीन के आगे फ्रेजनल लेंस लगा रहता है, और यह लेंस जो भी स्क्रीन से लाइट मिलती है उसको पैरेलली आगे की तरफ भेजता है, और लेंस के सामने लगा रहता है 45 डिग्री के एंगल पर एक मिरर, जो स्क्रीन पर जो भी प्ले हो रहा है उसको मेन प्रोजेक्शन लेंस के पास में भेज देता है, जो एक कॉन्वेक्स लेंस है, और यह लेंस इमेज को सीधा और मैग्नीफाई करके हमें पर्दे पर दिखाता है। क्या आप बता सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में क्या फर्क है? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। अब इस प्रोजेक्टर की वर्किंग इतनी सिंपल है, फिर भी सिनेमा में इस प्रोजेक्टर को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो स्क्रीन है वह ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकती। यदि कहीं पर स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिखाना है तो स्क्रीन के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको ब्लैक कर दे। दूसरी प्रॉब्लम, जो लैंप जल रहा है वह प्रोजेक्टर में बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है, तो LCD बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इसलिए प्रोजेक्टर में यह टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप हो नहीं पाई, और सबसे सस्ते प्रोजेक्टर LCD प्रोजेक्टर ही आते हैं, तो इसका मार्केट डेवलप होने से पहले ही लेजर प्रोजेक्टर आ गए। तो सिनेमा हॉल में आज के टाइम में लेजर प्रोजेक्टर को यूज में लिया जाता है। यह टेक्नोलॉजी रियली में कमाल की है। लेजर प्रोजेक्टर में लैंप की जगह लेजर लाइट को काम में लिया जाता है। इस सेटअप में पीछे की तरफ एक ब्लू लेजर डायोड लगा है, इससे ब्लू लाइट निकल कर जाती है डाइक्रोइक मिरर पर। डाइक्रोइक मिरर एक अलग तरीके का मिरर होता है, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को आगे पास कर देता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर के आगे फॉस्फोर व्हील लगा रहता है, यहाँ से लाइट पास होकर इन साइड में लगे मिरर से टकराकर कलर व्हील तक पहुँचती है, और कलर व्हील से पास होकर प्रिज्म तक पहुंचती है। प्रिज्म इस लाइट को सबसे पहले डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस के पास में भेजता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल के बराबर मिरर होते हैं, और DMD इस ब्लू लाइट के साथ में इमेज को बड़े पर्दे पर शो करता है, क्योंकि DMD चिप को इमेज का डेटा प्रोजेक्टर के मदरबोर्ड से मिलता रहता है, और जो भी कलर DMD के पास में पहुँचता है उसको यह पर्दे पर रिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों व्हील थोड़े से रोटेट होने के बाद में अब की बार ग्रीन लाइट पहुँचती है। इस तरीके से ब्लू लेजर के सामने जो भी कलर आता है वह डिस्प्ले पर हमें दिखाई देता है, और एक के बाद एक इमेज डिस्प्ले पर प्ले होती जाती है। लेकिन जब दोनों व्हील स्पीड में रोटेट करने लग जाते हैं तो हमें आंखों से पता नहीं चलता है, और सभी कलर एक साथ में अच्छे से दिखाई देते हैं एक प्रॉपर वीडियो की फॉर्म में। इस प्रोजेक्टर का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें लेजर लाइट होती है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस का इसमें कोई भी इश्यू नहीं आता है। इसके अलावा स्क्रीन पर यदि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है तो हमें सभी कलर्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अब इनसे भी पावरफुल प्रोजेक्टर आते हैं, जिनमें तीन लेजर तीनों RGB चैनल के लिए काम में ली जाती है। जो ये प्रोजेक्टर के पीछे मैंने आपको प्रोसेसिंग बताई है, इसमें सर्किट बोर्ड, कूलिंग फैन और भी बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं। जो तीन लेजर वाले प्रोजेक्टर होते हैं वह काफी महंगे आते हैं, और उनमें लेजर की वजह से हीटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उनको एक प्रॉपर कूलिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यदि आप कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन क्लिक करके लाइव अड्डा के मेंबर बन सकते हो। थैंक यू।